Artisan Kids. Hello. Always help others. हमेशा दूसरों की मदद करें. Because by helping others, we help ourselves. एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक खतरनाक शिकारी रहता था. एक दफा वो शिकार के लिए निकला. जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत सा हिरन था. शिकारी ने उस हिरन को देखा तो उसके पीछे भाग दौड़ा. आखिरकार शिकारी ने उस हिरन को पकड़ लिया और उस हिरन को पिंजरे में बंद कर दिया. हिरन बहुत उदास था और डरा हुआ था. इतनी देर में एक आदमी वहां पर पहुंचा. वो बहुत नरम दिल इंसान था. उसने हिरन का पिंजरा तोड़ा और उसको आजाद कर दिया. अब हिरन को एक नई जिंदगी मिली और वो खुशी खुशी से भाग दौड़ा. अगले दिन शिकारी वापस आया तो हिरन वहां मौजूद नहीं था. हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें. दोस्तों, दूसरों की मदद करना खुद को खुशी की राहों में डालने का एक राज है. ये ना सिर्फ खुशियां बांटता है बल्कि जिंदगी को मायनों से भर देता है. सो क्या आप जानते हैं आगे इस कहानी में क्या हुआ? चले चलते हैं वापस कहानी की तरफ. वो आदमी एक सोने के कान में काम करता था. यहाँ वो रोज आता था और ये उसका रोज का काम होता था. उस दिन वो उस कान में अकेला था और उसके अलावा कोई नहीं था. उस दिन वो उस कान में पत्थरों को तोड़ रहा था. अचानक वो हादसे का शिकार हो गया और वो कहीं अंदर फंस गया. आसपास कोई उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं था कि अचानक वहां से वही हिरन गुजरता है. वो हिरन उसकी गाड़ी देखकर पहचान जाता है कि वो आदमी अंदर है और उसकी जान खतरे में है. सो वो अंदर जाता है, उस आदमी की जान बचाकर बाहर लेकर आ जाता है. बाहर आते ही अंदर एक बहुत खतरनाक धमाका होता है. और इस तरह से वो आदमी बहुत बड़े हादसे से बच जाता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल लेते हैं. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी. हमारी ज़िंदगी बहुत से लोगों के साथ उनके दरमियान गुजरती है. अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी ना कभी हमारी मदद की ज़रूरत होती है. शायद वो कभी हमें पुकार सकें या शायद कभी किसी वजह से ना भी पुकारें. कभी ज़रूरत के वक्त और कभी जो वो किसी मुश्किल में हो तो तब भी. बाहैसियत इंसान हमें हमेशा ऐसे लोगों के लिए मदद की कोशिश करनी चाहिए. वो भी हमारी तरह इंसान हैं और ये भी कि कभी ना कभी ऐसा वक्त हम पर भी ही आ सकता है. सो हमें हमेशा आगे बढ़कर उनके लिए बेहतरीन सोचना चाहिए
और उनकी मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत की दलील है। मैं।